भोपाल के बाद मंडीदीप सिमराई के एक निजी स्कूल से आपत्तिजनक शब्द गुरु और शिष्य के रिश्ते को तार तार करने का एक मामला सामने आया, जहां 7वीं क्लास की नाबालिग छात्राओं की कॉपी में शिक्षक ने अश्लील शब्द लिखे, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। आपको बता दें कि जहां एक निजी स्कूल सिमराई मंडीदीप के शिक्षक पर 4 नाबालिग बच्चियों की कॉपी में आपत्तिजनक शब्द लिखने का मामला सामने आया, जिसको देख परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही मंडीदीप और बिदोलागंज थाने की पुलिस के साथ तहसीलदार RS मराबी मौके पर पहुंचे। परिजनों की शिकायत के बाद मंडीदीप पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें पूरा मामला मंडीदीप थाना क्षेत्र का है, जहां 4 नाबालिग छात्राओं के परिजन बच्चियों के साथ स्कूल पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के शिक्षक ने स्कूल में उनकी बच्चियों की कॉपियों में आपत्तिजनक शब्द लिख दिए। पीड़ित परिजनों ने बताया उनकी बच्चियां स्कूल से रोते हुए घर आई और अपनी अपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और शिक्षक को सामने बुलाने की मांग करने लगे। पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन ने सामने आने से इनकार कर दिया है। बच्चों के अभिभावकों द्वारा बच्चों की कॉपियों में कुछ लिखने का मामला बताया गया है और पुलिस को एक शिकायती आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। पुलिस मामला कायम कर इस पर जांच कर रही है, जो भी निष्कर्ष होगा हम बताएंगे। राज हाइट स्कूल में हमें ये जानकारी मिली थी, कुछ अभिभावक गण किसी टीचर के द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणी करने को लेकर स्कूल में जमा हुए हैं। वहाँ पे हमारे द्वारा पुलिस फोर्स भेजी गई है। अभी तक किसी अभिभावक द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ये जो भी अभिभावक द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनको क्या कर रहे हैं जो टीचर जो है सैमसन करे कुछ सारे, वो उनकी बात मोलेज कर रहे हैं, हाथ पकड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं और उस पर लिख दिया मीट अप मीट मी और आई लव यू, ऐसा मतलब उन्हें मोलेज कर रहे हैं। कुल मिला के बात ये ताड़ित कर रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद उनसे बोला टीचरों से, तो बोले आपकी फीस जमा नहीं है, बच्चों मतलब फीस नहीं है तो चलता रहता है, बोले इस एज में चलता रहता है।